सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पे हम थे, अब कौन आया? श्रीराम। ठीक है, तो हम लोग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पे थे और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स की हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। होप सबका नेटवर्क कनेक्शन ठीक ठाक है, सब सुन पा रहे हो मुझे? ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की डिफरेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। शुरुआत करते हैं पोरीफेरा से, क्योंकि एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से शुरू होता है। एक्चुअली शुरू होता है तो प्रोटोजोआ से, तो हम लोग पोरीफेरा से शुरू करेंगे। पोरीफेरा जैसे स्पॉन्जेस इज अ पोरीफेरा। इसमें कोई भी लोकोमोटरी नहीं है क्योंकि ये सबस्ट्रेटम में अटैच हो जाते हैं, तो लो लोकोमोशन। कोई भी लोकोमोशन नहीं है। इसका लार्वा जो है ये फ्री स्विमिंग है, लार्वा इसका फ्री स्विमिंग वाला है। द नेक्स्ट इज सेलेंटेरेट्स और निडारिया। सेलेंटेरेट्स और निडारिया, इसको निडारिया भी कहते हैं। निडारिया कौन कौन सा है? जैसे हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह। टेंटेकल्स इज द लोकोमोटरी सब्सटेंस, इसका मेन लोकोमोटरी सब्सटेंस है टेंटेकल्स। टेंटेकल्स से मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हाइड्रा में और भी टाइप का लोकोमोशन होता है, जैसे क्रॉलिंग होता है। लोकोमोटरी सब्सटेंसेस बॉडी से क्रॉल करते हैं, स्विम भी कर सकते हैं लोकोमोटरी सब्सटेंसेस में, तो ये टेंटेकल्स है। ओके, एंड इसको समर सॉल्ट भी कहते हैं। समर सॉल्ट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन लोकोमोशन है हाइड्रा का। समर सॉल्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली डिपेंड ऑन दी टेंटाकल। नंबर थ्री है एनेलिडा। एनेलिडा और एनेलिड में लोकोमोशन क्या क्या है? एनेलिडा में इसका मसल जो है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर है, तो द हेल्प ऑफ पैरापोडिया, ये इसको कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया किस में होता है? नेरेइस में। नेरेइस, ठीक है, पैरापोडिया इसको कहते हैं नेरेइस। नेरेइस में नेरेइस में आपकी पैरापोडिया होता है, और देर इज अनदर इज कॉल्ड एज आर्थवर्म, उसमें सेटा होता है। सेटा, ACTAE, सेटा इज द लोकोमोटरी ऑफ द आर्थवर्म। आर्थवर्म का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है सेटा। सेटा और सेटेई कहते हैं। द नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोड्स का जॉइंटेड लेग है। आर्थो आर्थ्रोपोड, पॉड आर्थ्रो मतलब है जॉइंटेड लेग। जॉइंटेड लेग इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। फिर मॉलस्क में, मॉलस्क में हम बात करेंगे। मॉलस्क का मतलब है स्नेल। स्नेल्स का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दिखता तो नहीं है, लेकिन उसको बायोलॉजी में कहा गया है फूट। तो ये एडवांस एनिमल्स है जिसमें आपकी फूट का यूज होगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें आपकी फूट की यूज होता है, फूट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे मॉलस्क के बाद क्या आता है? कोई बताएगा मॉलस्क के बाद क्या आएगा? मॉलस्क के बाद आपको याद नहीं है, मॉलस्क के बाद आएगा एकिनोडार्मा। एकाइनो और एकिनोडार्म,
एकिनो डार्माटा इसका लोकोमोटरी सब्सटेंसेस ऐसे कुछ नहीं है, इसका लोकोमोटरी सब्सटेंस थ्रू दी वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसको ट्यूब फीड, जो इसको इसका लोकोमोटरी सब्सटेंसेस है ट्यूब फीड, और सिस्टम का नाम जो है, सिस्टम की नाम है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, नाम को याद रखना, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम मतलब वाटर को प्रोपल्शन करके ये अपने लोकोमोशन यूज करते हैं। द लास्ट वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेटा में लोकोमोशन क्या होगा, स्केलेटल मसल्स एंड द लिम्स, स्केलेटल मसल्स एंड लिम्स, ये हो गया इसकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स और स्केलेटल मसल्स। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मसल्स और स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग बात कर ले, मसल्स का ही बात करते, छोटे से जितना छोटा हो सके, इसमें लेक्चर तो बहुत लंबा हो सकता है मसल्स का, लेकिन एज शॉर्ट हम लोग कहेंगे, मसल्स की बात करेंगे, ठीक है, मसल्स की शॉर्ट में, मसल्स जो है वो बहुत टाइप की मसल्स हो सकते हैं। मसल्स कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड डिपेंड्स, क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स जैसे उसकी लोकेशन क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज क्या है। सो एक-एक करके लिख लेंगे, जैसे डिपेंड्स ऑन लोकेशन, किस जगह पे ये मसल्स है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, फिर उसकी अपीयरेंस किस टाइप की है, किस टाइप का दिखते हैं, अपीयरेंस इसके ऊपर डिपेंड करके मसल का क्लासिफिकेशन हो सकता है, और जैसे नेचर ऑफ रेगुलेशन और एक्टिविटीज, सो एक्टिविटीज बात सही है, एक्टिविटीज वो किस टाइप की रेगुलेट करते हैं बॉडी को, इसकी एक्टिविटीज क्या है उसके ऊपर बेस करके आते हैं। बेसिकली अगर हम लोकेशन पे बात करें तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके मसल्स जनरली तीन टाइप की हो सकते, लोकेशन के ऊपर बेसिस करके मसल्स तीन टाइप की हो सकते, क्या क्या वो हो सकते हैं, ये हो सकता है आपका स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल हो सकते हैं, दूसरा इट कुड बी विसेरल, विसेरल का मतलब बॉडी के अंदरूनी जो पार्ट है उसको विसेरा कहते हैं, अंदरूनी पार्ट जैसे लीवर, किडनी, पैंक्रियास, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टोमक वगैरह वगैरह, जनरली इसको विसेरा कहते हैं। इसके साथ कुछ अलग नाम दिया गया है, जैसे कार्डियक को, हार्ट को थोड़ा सा अलग रखा गया है इससे, तो ये कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट मसल्स है। नाउ स्केलेटल मसल्स जो है ये कंपोनेंट इज रिलेटेड टू दी बोन्स, स्केलेटन ये अटैच विद दी, स्केलेटन के साथ ये अटैच है, ठीक है,
स्केलेटल मसल्स फिर भी आगे चल के दो टाइप की होते हैं, स्केलेटल मसल्स और स्केलेटन के साथ जो अटैच है, इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स होते सकते, ठीक है। एंड दे कैन बी, दिस टाइप इज कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड। स्केलेटल मसल्स कैन बी स्ट्राइएटेड, इट कैन बी नॉन स्ट्राइएटेड। ये दो टाइप की हो सकते हैं, स्ट्राइएटेड और इट कैन बी नॉन स्ट्राइएटेड। विसरल मसल्स जनरली वॉलेंटरी होता है, विसरल मसल्स स्मूथ मसल्स होता है, दीज आर बेसिकली स्मूथ मसल्स, दीज आर स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है। अब अगर हम जैसे ये फार्दर स्केलेटल मसल्स को भी दो टाइप में, दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, और भी एक टाइप है डिवाइड करने का, स्केलेटन मसल्स और स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल प्लस विसरल मसल्स, विसरल मसल्स का ऐड नहीं करेंगे। स्केलेटल मसल्स दो टाइप के आगे हो सकता है, आगे एक है वॉलेंटरी, एक है नॉन वॉलेंटरी। क्या आपको समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? तो स्केलेटन मसल कैन बी स्ट्रेटेड, ये कौन सा है क्या है बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लो। स्केलेटन मसल कैन बी स्ट्रेटेड, स्केलेटन मसल कैन बी नॉन स्ट्रेटेड। फिर स्केलेटन मसल कैन बी वॉलेंटरी और इट कैन बी नॉन वॉलेंटरी। तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड वाला, ये इसका एक डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। डिफरेंशिएशन नहीं देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसके बारे में ये कौन सा क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ाई करेंगे अभी। तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ चलता हूं, जगह चाहिए इसके लिए। सो हम लोग आएंगे और हम लिखेंगे कि एक जगह हम लोग लिखेंगे स्ट्रेटेड, ठीक है। दूसरा हम यहां लिखेंगे नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, और तीसरा हम यहां लिखेंगे कार्डियक। तो एक साथ में हम लोग तीन डिफरेंसेस हम लोगों को पढ़ाई हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं यहां पर ही आपको स्टार मार्क देके ये बताना चाहता हूं कि स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसवर्स लाइन फाउंड होते हैं, इन स्ट्रेटेड मसल सम ट्रांसवर्स लाइन्स आर फाउंड। ट्रांसवर्स लाइन्स होते हैं, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइप। स्ट्राइप होते हैं ना कपड़े में, हमारा स्ट्राइप होते हैं, स्ट्राइप्ड कपड़ा पहनते हैं हम लोग, स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड, ठीक, स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड। अब हम लोग डिफरेंस को देखेंगे, स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड और इसकी डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं स्ट्रिएटेड का डिफरेंस। लोकेशन के हिसाब से प्रेजेंट ऑन
अपर एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्ब पे प्रेजेंट होते हैं। अब इतना देरी से कौन ज्वाइन कर रहा है? सोहेल। सोहेल बहुत देरी से ज्वाइन कर रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है। हमारा क्लास कब का शुरू हो चुका है? प्रेजेंट ऑन दी अपर एंड दी लोअर लिम्ब। स्ट्रिएटेड मसल यहां होता है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहां होता है? नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है आयरिश ऑफ द आई। आयरिश को पकड़ लो, द बेस्ट एग्जाम्पल को लेते हैं आयरिश। ऐसे नॉन स्ट्रिएटेड और भी जगह पे रह सकते हैं, आयरिश इज द फर्स्ट। सेकेंडली ये कहां रह सकते हैं? जैसे यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर इस जगह पे नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है। और कहां रह सकते हैं? इंपॉर्टेंट जगह यूरो जेनिटल ट्रैक्ट, यूरो जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिन एंड जेनिटल दोनों को मिला के यूरो जेनिटल ट्रैक्ट। और कहां रह सकते हैं? डार्मिस ऑफ स्किन, डार्मिस ऑफ स्किन यानी कि हमारा स्किन का स्किन रीजन में, ठीक है, ओके। यहां तक ये आयरिस मसल्स यहां पर ही है, डार्मिस ऑफ द स्किन और डार्मस। कार्डियक मसल ओनली वॉल्व्स ऑफ हार्ट, हार्ट में ही खाली ये प्रेजेंट होते हैं ये मसल, और किसी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लीन एंड क्लियर राइटिंग करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए। स्ट्रिएटेड मसल्स की शेप का होता है, इसकी शेप की बात करें, जानकारी अच्छा चीज है। सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल का शेप, सिलिंड्रिकल आप जानते हो किस टाइप के होते हैं, ये स्पिंडल शेप का होता है, ये स्पिंडल शेप का होता है। और कार्डियक होता है, ये भी सिलिंड्रिकल होता है। ये भी सिलिंड्रिकल होता है। नंबर तीन, इसका जो फाइबर्स है, स्ट्रिएटेड मसल्स का जो फाइबर्स है, फाइबर्स आर अनब्रांच्ड, इसका जो फाइबर्स है, फाइबर्स आर, क्या लगता है क्या होगा, यानी कि दोनों की केस में फाइबर्स जो है अनब्रांच्ड है, लेकिन कार्डियक की कंडीशन में ये ब्रांच्ड है। इसका जो कार्डियक मसल्स का जो फाइबर है वो ब्रांच्ड है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। बाकी सारे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी डिफरेंसेस है। स्ट्रिएटेड मसल्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है। क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। आपको क्या लगता है कार्डियक में किस टाइप की होना चाहिए? यूनिन्यूक्लिएटेड। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आना चाहिए, बाकी किसी को समझ में आए ना आए, आपको जरूर समझ में आना चाहिए, ठीक है। सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो गया, ठीक है। हेलो, नंबर फाइव,
एक तो न्यूक्लियस हो गया। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे है, स्ट्रिएटेड मसल्स में दो टाइप की बैंड प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ, ये बैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, बैंड प्रेजेंट। ये कौन सी टाइप की बैंड है, इसको कहते हैं लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, दो टाइप की बैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स में। नॉन स्ट्रिएटेड की कंडीशन में नो बैंड, इसमें कोई इसका कोई बैंड नहीं बजा सकता, ठीक है, इसका कोई बैंड नहीं बजा सकता, इसका तो बैंड बज गया, ये इसका दो टाइप दो बार बैंड बजा हुआ है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। दूसरा इसमें अच्छा कार्डियक में क्या बात करेंगे, कार्डियक में इसकी बैंड प्रेजेंट है, इसका भी बैंड बजा हुआ है, बैंड प्रेजेंट। ये बैंड का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आदमी को, यानी कि किसी किसी चीज का कभी कभी बैंड बजना चाहिए, इसका तो बैंड नहीं बजता है। दूसरा है दिस स्ट्रिएटेड मसल्स कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय क्या क्या नर्वस सिस्टम है ये बताओ तो, ANS, ये क्या नर्वस सिस्टम है, वेरी गुड, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आगे चल के कितने टाइप का है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कितने टाइप की है, क्या क्या किसको याद है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो टाइप की। कार्डियक में क्या, कार्डियक इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोथ, दोनों से ये कंट्रोल्ड होते हैं। इस टाइप की स्ट्रिएटेड मसल्स में अबंडेंट ब्लड सप्लाई, अबंडेंट ब्लड सप्लाई, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होते हैं, इस टाइप की ब्लड सप्लाई इज लेस ब्लड सप्लाई, बी ए शॉर्ट में लिख देता हूं, लेस ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होगा, कार्डियक में ब्लड सप्लाई होता है क्या, हाई, वेरी हाई, हाई ब्लड सप्लाई। जब हार्ट जब पंप करता है तो पहला ब्लड सप्लाई जहां जाता है वो है कार्डियक मसल पे, सबसे पहले कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई जाते हैं। आप इसी पॉइंट पे एक चीज याद करना, कार्डियक मसल्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिले विद इन दी 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, कार्डियक मसल डाई हो जाते हैं एंड दैट कॉजेज दी हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक आते हैं, तब उसमें बाईपास सर्जरी करवाओ या कुछ भी करवाओ, करवाना पड़ता है, या न तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक तो होता ही है। तो कार्डियक मसल्स को 3 से 5 सेकंड के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो हार्ट पंप करना बंद कर देंगे, तो सबसे पहला जो ब्लड सप्लाई वो जाएगा कार्डियक मसल्स पे, उसके बाद पूरी बॉडी के कहीं भी ब्लड सप्लाई जाए कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सुन, बहुत जल्दी जल्दी फैटिग, ये थक जाते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स जो है वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं।
और नॉन सेटेड जो है डू नॉट गेट फैटिग, ये थकते नहीं है, ये सारा दिन सारा रात सारी जिंदगी काम करता ही जाता है करता ही जाता है करता ही जाता है, और कभी कभार अगर थक गया तो कुछ सेकंड के लिए अगर यह काम बंद कर दिया तो हल्का सा काम करने लगे, मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया, हो चलता है, लेकिन कार्डियक मसल्स जो है नेवर स्टॉप्स, नेवर फैटिग, ये तब तक चलेंगे जब तक आपकी जिंदगी है, यानी कि उल्टा से बात करो, ये चलेगा तो आपका लाइफ है, हमारी लाइफ है, सबका लाइफ है, ये अगर बंद कर दिया तो लाइफ चलना बंद हो गया। डू यू अंडरस्टैंड, ये चलना बंद हो गया तो लाइफ बंद, ठीक है। अब ये हो गया आपकी ये डिफरेंसेस। अभी कुछ अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक शुरू होने वाला है। इस जगह से हम लोग कहेंगे सम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, मसल स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रक्चर। नाउ मसल्स आर सी मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक एक करके लिखेंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री करके। मसल फाइबर आर कनेक्टेड नहीं, इसको लिखेंगे कवर्ड, कवर्ड लिखना अच्छा होगा तो ठीक है। मसल फाइबर्स आर कवर्ड by connective tissue layer, connective tissue layer, muscle fibers are covered by connective tissue ki layer, ठीक है, and this is called as, इसका क्या नाम है, कोई किसी ने पढ़ा होगा, एंडोमाइसीम, क्यों ऐसे क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद रहेगा, एंडो इनसाइड, माई मेरा, सी देखो, आम आजकल आम तो मिलते ही है गर्मी में, तो आज का है याद रखने के लिए, ठीक है, आम को देखो और अंदर ले लो, यानी कि खा लो, एंडो एंडो अंदर में, माई मेरा अंदर में, ठीक है, सी देखो, किसको देखो, आम, आम को देखो और मेरा अंदर में ले लो, तो इस तरह से आप याद रखो, एंडोमाइसियम, ये क्या है, मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। आसानी से याद रहेगा, याद रहेगा आसानी से, जवाब नहीं आ रहा है। मेनी मसल फाइबर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ ग्रुप, बहुत सारे मसल, हाँ बहुत सारे मसल फाइबर मेरे साथ साथ कनेक्ट हो जाओ, जब मैं बोलूं तब जवाब दो, तब आप सीखोगे जल्दी जल्दी। तो बहुत सारे मसल फाइबर जो है, मेनी मसल फाइबर, ये देखो मसल फाइबर है, सो मेनी मसल फाइबर, एमएफ, इसको एमएफ बता देते, मसल फाइबर, मेनी मसल फाइबर कंबाइंड टू फॉर्म, अब देखो हर एक मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर होता है, वो एंडोमाइसियम, अब सारे मसल फाइबर को लेके
एक फॉर्म बनते हैं, एक ग्रुप, टू फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसका नाम देंगे, उसका क्या नाम देंगे कोई बताएगा, उसका क्या एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं फैक्सी, फैक्सी, फैक्सी क्यूलाई, क्यूलाई, फैक्सी क्यूलाई बोलो या फैक्सी कुली बोलो, कुछ भी चलेगा, फैक्सी क्यूलाई और फैक्सी क्यूली, बार बार बोलने से शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमने पढ़ा है ना, सो फैक्सी क्यूलाई, सो एवरी मसल फाइबर के ऊपर लेयर है एंडोमाइसियम, हर एक वो एंडोमाइसियम वाला एक मिला के एक मसल फाइबर का ग्रुप बनते हैं, तो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इसको कहते हैं फैसिक्यूलाई, क्या बनते हैं फैसिक्यूलाई। नंबर तीन, ईच फैसिक्यूलाई, ईच फैसिक्यूलाई इज covered, is covered by another layer of connective tissue, another layer of connective tissue, another layer of the connective tissue. अब इसको हम लोग कोई दूसरा नाम देंगे, एक्चुअली साइंटिस्ट ने देके रखा है, हम तो नहीं देंगे, साइंटिस्ट ने देके रखा है, इसका नाम है पेरी, पेरी मतलब आउटर लेयर, पेरी, पेरी माइसियम, माइसियम, पेरी मतलब आउटर लेयर, पेरी माइसियम, ठीक है, तो फैसिक्यूली के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, उसको कहेंगे पेरी माइसियम, पेरी माइसियम, एक है एंडोमाइसियम, उसके बाद पेरी माइसियम, लेयर को अलग अलग करेंगे। नंबर फोर, अब आते हैं मेनी फैसिक्यूली कंबाइंड, many fasciculi combined, many fasciculi combined, आप क्या बनेगा, आप बनेगा muscle, बहुत सारे fasciculi combined हो गया, तब बना क्या, तब बना muscle, ठीक है, क्लियर, क्लियर नहीं, क्लियर हो रहा है, हेलो, क्लियर हो रहा है, अब क्लियर हो रहा है, मेनी फैसिक्यूली कंबाइंड एंड बिकेम मसल, नाउ मसल इज ऑल्सो, मसल इज कवर्ड बाय connective tissue, connective tissue, muscle is covered by connective tissue, वो connective tissue का नाम कौन अंदाज करके बताएगा, कौन अंदाज करेगा बताओ, चलो देखते हैं किस में है दम, कौन अंदाज करके बताएगा, बताओ बताओ, पहले हमने देखा कि पहले हमने देखा मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर, उसको कहते हैं एंडोमाइसियम, फिर मसल फाइबर की ग्रुप बना फैसिक्यूलाई, फैसिक्यूलाई के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, उसको कहते हैं पेरीमाइसियम, रेड में लिया आप करो, अब फैसिक्यूलाई कंबाइन होके मसल बनेंगे, मसल के ऊपर एक भी का लेयर होगा कनेक्टिव टिश्यूज का, अब उसको क्या बताएंगे,
आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको क्या बताएंगे? अंदाज अंदाज करो, गेम चालू है। एंडोमाइसियम हुआ, पेरिमाइसियम हुआ, और आप क्या बता सकते हैं? वेरी गुड, किसने जवाब दिया? एक मिनट, किसने जवाब दिया? किसने? रोहन, वैभव, किसने? कौन कौन? वैभव, रोहन, वेरी गुड रोहन, एक्सलेंट जवाब। देखो पढ़ाई करने में ना बुद्धि से बुद्धि ज्यादा लगता है, आइडिया ज्यादा लगता है, वो याद रट्टा करने वाला वो काम से जिंदगी नहीं चलेगा। सो ये वेरी गुड, इट्स कॉल्ड एज एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम, पेरिमाइसियम, एपीमाइसियम, बन गया मसल, मेरा मसल बन गया। नाउ ये अब जो मसल है, अब ये मसल है, ये अटैच विद द कुछ कॉर्ड या कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। एवरी मसल इज अटैच विद अनदर मसल विद अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। एवरी मसल, बहुत ही गड़बड़ वाला घोटाला काम है। आप क्या बोलते हैं कि एवरी मसल इज कनेक्टेड विथ अदर मसल्स, एवरी मसल इज कनेक्टेड विथ द अदर मसल्स बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टेंडन, इसको कहेंगे टेंडन, ठीक। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब इसको कहेंगे टेंडन। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गया है। ये कभी कभार ना थोड़ा सा लैग ले लेता है, ठीक, ओके। अब इसको कहेंगे टेंडन। नाउ अब देखो मसल, ये एवरी हो गया। नाउ मसल इज अटैच्ड विथ बोन, मसल इज अटैच्ड विथ द बोन। तो मसल, एवरी मसल इज कनेक्टेड विद द अदर मसल विद द टेंडन। हर एक मसल दूसरे, दूसरे मसल तीसरे, तीसरे मसल चौथे, ऐसे मसल टू मसल कनेक्टेड होता गया। अब ये जो सारे मसल्स है ये बोन के साथ कनेक्टेड होगा, विद बोन, अटैच्ड विद बोन थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू, थ्रू, हाँ नहीं, अभी लिगामेंट नहीं आएंगे, अभी लिगामेंट की बात नहीं आएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ये टेंडन ही होगा। टेंडन ही मैं सिखा रहा हूं कि टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं।
अब हम लोग लिगामेंट वगैरह के बाद में हम लोग आएंगे. ओके लिगामेंट ये सब चीजों पे हम लोग आएंगे, बात करेंगे. नाउ अब हम लोग एक मसल फाइबर को एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट है पॉइंट. ये जो मसल फाइबर है एकदम शुरुआत में, मसल फाइबर MF एकदम शुरुआत में देख, मसल फाइबर हैज उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लाइन है, हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये मैंने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अभी मुझे याद आया कि मसल फाइबर के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. इस मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलेम्मा. सो सार्कोलेम्मा को क्या कहेंगे? इट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर. सो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर. सो इट इज द आउटर मेम्ब्रेन. नाउ ओवर द सार्कोलेम्मा देयर इज एंडोमाइसियम. ओवर इट एंडोमाइसियम. सो एक लेयर नहीं है, बहुत सारे लेयर है. अच्छा, मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म. इसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म. Now this sarc is multinucleated. Now the term is used for the multinucleated sarcoplasm. Term use करेंगे इस multinucleate के लिए, इसका नाम है syncytium. क्या बोलेंगे? Syncytium. Spelling क्या होगा? SYN syn ci sy ti teium syncytium. Syncytium का मतलब है multi nucleated, many nuclei. Cytoplasm होगा तो endoplasmic reticulum भी होगा. रेटिक्यूलम, मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सार्को प्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसका नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इंपॉर्टेंटली अब इस जगह पे मैं नीट का एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं, यहां लिख देता हूं नीट. एक्चुअली नीट का नहीं है, जिपमार का क्वेश्चन है. जिपमार पांडिचेरी, उसका क्वेश्चन है. इसमें है इट इज द स्टोर House of calcium ion. Muscle ka storehouse of calcium ion is called as sarcoplasmic reticulum or
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका इक्विवेलेंट है। नाउ पैरेलली अरेंज द फिलामेंट ऑफ सार्कोप्लाज्म और मसल फाइबर और फिलामेंट, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? कितने नंबर पे थे हम लोग? 9 नंबर पे थे, 9। चलिए 10 की बात करें। Parallelly arranged muscle fiber MF, parallelly arranged of muscle fiber, आप बोलो muscle filaments बोलो, ठीक है, इसको कहते हैं myofilament। क्या कहते हैं? मायो, देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, मायो फिलामेंट, मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट कहते हैं इसको, या तो हम इसको कह सकते हैं मायोफाइब्रिल। क्या कह सकते हैं? बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है, मायोफाइब्रिल। तो टर्म को मैंने पहले पढ़ा दे रहा हूं स्टूडेंट, जब भी हम लोग आगे बात करेंगे मायोफाइब्रिल तो आपको याद करना होगा। ओ अच्छा, मायोफाइब्रिल मतलब पैरेलली अरेंज दी, आई मीन मसल फाइबर, पैरेलल अरेंजमेंट। सो पैरेलल अरेंजमेंट, ये इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट होगा या इस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, मसल फाइबर के अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। क्लियर? क्लियर, ठीक है, समझ में आया? हेलो, नहीं समझ में आया तो फिर से शुरुआत करेंगे हम। लेकिन अच्छा हाँ, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना पढ़े हो उसी को याद करो, उसी को देखो। मैं पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूं और आप इसको याद कर लो। कल तो नहीं है, परसों हम लोग फिर से शुरू करेंगे। अभी हम लोग जूलॉजी को थोड़ा साइड में रखेंगे, इस चीज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है? नहीं तो आपका माइंड जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो आज हम लोग यही पर ही काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।